यूपी में इस समय धान के फसल की कटाई हो रही है। ज़्यादातर लोग इसके लिए मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में बचने वाली पराली को खेतों में ही जला दे रहे हैं। पिछले कई सालों से पराली को लेकर के देश की अदालतों ने राज्यों को फटकार लगाई है और इसे प्रदूषण की एक बड़ी वजह माना है। खासकर दिल्ली NCR से सटे इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं का दिल्ली के प्रदूषण में अहम योगदान रहा है और सर्दियों के मौसम में यूपी के अलग अलग शहरों का जो AQI काफ़ी ख़राब हो जाता है उसमें भी बड़ा योगदान पराली जलाने की घटनाओं का रहा है। अब इसी पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यूपी गवर्नमेंट एक्शन में नजर आ रही है। देवरिया जिले में पराली जलाने वाले दो किसानों से 2500 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूला गया है। इसके अलावा 3 कंबाइन हार्वेस्टर भी सीज कर दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवरिया में जिला स्तर पर पराली प्रबंधन समिति भी बनाई गई है, जिसमें पराली जलाने से रोकने पर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही BDO द्वारा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान अपने अपने गाँव में डुग्गी पिटवाकर पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करें ताकि लोगों को पराली जलाने से रोका जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पराली जलाते हुए पाए जाने पर 2 एकड़ क्षेत्रफल पर 2500 रुपये, जबकि 2 से 5 एकड़ क्षेत्रफल पर 5000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर 15000 रुपये जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया है। इन सब के अलावा नियम यह भी है कि अगर कोई किसान बार बार पराली जलाता है तो उसे कृषि विभाग द्वारा चलाई जाने वाली अलग अलग योजनाओं में मिलने वाले लाभ से दूर कर दिया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही लोगों को पराली जलाने से रोकने के लिए क्या आपने कोई इनिशिएटिव लिया है तो उसके बारे में भी हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।